Hello students, let me talk about today's topic. Today we are going to discuss about estimation. Estimation means approximate value. Approximate value, or we can say multiples of 10, 100 or 1000. After watching this video, I assure you that you are able to solve the problem related to the topic easily. Now, without delaying, let's start our topic. First of all, after this topic, you are able to estimate the value of to nearest 10, 100 and 1000. Okay, and above that also, find you are able to find estimate sum different as well as estimate product. You are able to know about general rule of estimation and obviously able to solve exercise 1.3. Clear? First, we need to know how do we estimate things. Like if I am having 34 as a number, अगर मुझे इसको estimate करना है, मतलब इसकी approximate value find out करनी है, तो मेरे पास दो approximate value हो सकती हैं जो 10 के multiple है. Nearest 10 तक करेंगे तो हमें 10 के multiple चाहिए, nearest 100 तक करेंगे तो हमें 100 के multiples चाहिए, और nearest 1000 तक करेंगे तो 1000 के multiples चाहिए. अब 34 है, या तो हम इसकी वैल्यू लें 30 या लें 40. ओके, अब 30 कब लेंगे, जब ये वाला सेकंड वाला नंबर चेक करना है हमें, वंस प्लेस वाला, ये वाला नंबर 5 से कम होगा तो हम इसकी वैल्यू लेंगे 30, और 5 से ज्यादा होगा तो हम इसकी वैल्यू लेंगे 40. क्लियर? ऐसे ही, मतलब अब 34 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हुई, 34, क्योंकि ये 30, क्योंकि ये 30 के नियर बाय है ना, 40 से तो बहुत दूर है. ओके, ऐसे ही अब मैंने नंबर ले लिया 2735, मतलब 2735. आई वांट टू एस्टिमेट इट नियरेस्ट 1000. सबसे पहले तो अगर मैं 1000 तक इसको एस्टिमेट करूंगी तो जो मेरी वैल्यूज हैं वो किसके मल्टीपल आएंगे, 1000 के. अब 1000 के मल्टीपल यहाँ पे दो कौन कौन से हो सकते हैं, 2000, 3000. ठीक है, अब 2735 2000 के नियर बाय है कि 3000 के नियर बाय, 3000 के, तो आंसर विल बी 3000. ऐसे ही और ले लो एग्जांपल, 59273. I just want to estimate it up to 100. मतलब 100 के मल्टीपल आएंगे. 100 के मल्टीपल यहाँ पे क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 59200, एक हो सकता है 59300. यही तो है ना 100 के मल्टीपल. आगे की टर्म सेम, सिर्फ हमें 100 के मल्टीपल्स चेंज करते हैं. अब देखो यहाँ पे 275 है, ठीक है, और ये 200 है, ये 300 है, तो कौन सा नियर बाय हुआ, ये वाला. ठीक है, तो एस्टिमेशन हम वैसे इस वे में करते हैं, लेकिन जब हम फास्ट एस्टिमेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें 10 तक एस्टिमेट करना है तो हम ये वंस प्लेस वाला डिजिट देखेंगे, अगर ये 5 से कम है तो हम इसके आगे बस 0 लगा देंगे, अगर ये 5 से ज्यादा है तो हम इसमें एक नंबर ऐड कर देंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला नंबर देखा, ये 7 है, ये 7 है, मतलब ये 5 से ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया और मेरा आंसर आ गया 3000. ये तो तीनों 0 ही हो जाएंगे क्योंकि 1000 तक एस्टिमेट कर रहे हैं. अब यहाँ पे है, जैसे मैंने ये वाला नंबर देखा, ये वाला नंबर है 7, मतलब मोर देन 5, तो आई जस्ट ऐड 1 to 2. ओके, अब आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको एस्टिमेशन करना है जनरल रूल से. जनरल रूल मतलब कि आपके पास दो नंबर्स हैं, उनमें से एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम है आपके पास, आप जनरली किसी भी वैल्यू तक एस्टिमेट कर सकते हो, बट टू मेक आर कैलकुलेशन इजी वी जस्ट ट्राई टू एस्टिमेट टू हाईएस्ट वैल्यू. ठीक है, मतलब हम किसी भी वैल्यू तक एस्टिमेट कर सकते हैं, 10 तक, 100 तक, 1000 तक, पर अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वहाँ. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने पहले से सोल्व कर रखा है. आप देखिए 730 है, 730 को हम एस्टिमेट करेंगे, एक वैल्यू आएगी 700, एक वैल्यू आएगी 800.
अब 730 नियर बाय 700 के है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे 700 वाली, ऐसे ही 990 के 8 के लिए एक वैल्यू आएगी 900, एक वैल्यू आएगी 1000, तो 998 1000 के नियर बाय है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे 1000, दोनों को प्लस प्लस साइन है बीच में प्लस कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब बी पार्ट कीजिए, आपके पास एक वैल्यू है 796, एक वैल्यू है 340, 700 और 800, 314, 300 और 400, ये जो मैं ऐसे लिख रही हूँ ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप ऐसे लिखेंगे 796 कहाँ एस्टीमेट होगी 700 पे और 314 कहाँ एस्टीमेट होगी, अब 796 800 पे एस्टीमेट होगी ना बेटा, और 314 किस पे होगी 300 पे, और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो आंसर इज 500। ओके, इन सेम वे वी आर डूइंग आर नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। हाँ जी, सी पार्ट है आपका 12904 और 2888। अब देखो ये 1000 तक होगी, ये 10000 तक होगी, लेकिन हम दोनों को सेम करेंगे तो दोनों को 1000 तक एस्टिमेट करेंगे। अब ये 1000 वाला डिजिट यहाँ पे देखो 9 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मैंने आपको प्रीवियस दोनों क्वेश्चन दूसरे मेथड से कराई है, दूसरे से करा रही हूँ, आप जो भी अडॉप्ट करना चाहें कर सकते। अब ये यहाँ पे 8 है, मतलब ये 9 है, 5 से ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ 8 है, 5 से ज़्यादा है, तो फिर से प्लस 1 कर दो दोनों को प्लस, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही डी पार्ट है आपका, ये कौन, दोनों को हम 1000 तक भी एस्टिमेट कर सकते हैं और 10000 तक भी, है ना, क्योंकि दोनों ही 10000 तक एस्टिमेट होते हैं, लेकिन जो हमारी वैल्यूज होनी चाहिए ना वो अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए। अगर मैं इनको 10000 तक एस्टिमेट करूँगी तो जो आंसर आएगा वो बहुत दूर होगा एक्चुअल आंसर से, तो इसलिए मैं इनको 1000 तक एस्टिमेट करूँगी। ओके, अब यहाँ पे 2 है, मतलब प्लस 1 नहीं होगा, तो 28000, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी किए थे आपको याद हो तो। यहाँ पे भी 4 है तो एस्टिमेट होगा, तो ऐड नहीं होगा 1, और दोनों में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू nearest 100 and also a closer estimate by rounding off to nearest 10. देखो उसने कहा है rough estimate to 100 and closer estimate to 10. क्यों? क्योंकि जो हमारी वैल्यू कम, जितना कम हम एस्टिमेट करेंगे ना उतना ज्यादा हमारा जो आंसर आएगा वो नियर बाय आएगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू के आसपास आएगा। अब हम करेंगे ना तो हम चेक भी कर लेंगे, ठीक है। जितना हम दूर का 100 का 1000 का 10000 का जितना बड़ा एस्टिमेशन करेंगे उतनी हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेट से दूर होती जाएगी। ओके, जैसे मैं 10 के लिए करूँगी वो ज़्यादा अप्रोक्सीमेट आएगा, फिर मैं 100 के लिए करूँगी वो उससे दूर होगा, फिर मैं 1000 के लिए करूँगी वो और दूर होगा, फिर मैं 10000 के लिए करूँगी वो बहुत ज़्यादा दूर होगा। इसीलिए जो हमने डी पार्ट किया वो 10000 के लिए एस्टिमेट नहीं किया, उसको हमने 1000 के लिए ही किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें इनको 10 के लिए भी एस्टिमेट करके ऐड करना है और 100 के लिए भी, सॉरी पहले हम 10 के लिए करें, नियरेस्ट 10। अब 10 के लिए ये वाले डिजिट देखने हैं हमने, 112 ये वाले, तो इसका 9 है तो मतलब मैं प्लस 1 कर दूंगी, मेरे पास आ गया 440। इसका 4 है तो मैं प्लस नहीं करूंगी, तो मेरे पास आ गया 330। इसका 7 है तो मैं प्लस 1 करूंगी, तो मेरे पास आ गया 4320। ऐड कर दो 0
9 6 or 4 10 5090 आंसर 5090। अब इसी को मैं नियरेस्ट 100 के लिए करूंगी। अब मुझे ये सेकंड वाला टेंस वाला डिजिट देखना है। देखो ऐसे लर्न कर सकते हो आप, 10 में एक जीरो होती है तो पहला डिजिट देखो, 100 में दो जीरो होती है तो दूसरा डिजिट देखो, 1000 में तीन जीरो होती है तो तीसरा डिजिट देखो, 10,000 में फोर डिजिट होती है तो चौथा डिजिट, फोर्थ डिजिट देखो। ठीक है, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। अब 100 तक करना है तो सेकंड वाला डिजिट देखेंगे, ये 1 है तो इसमें ऐड नहीं होगा, मतलब मेरे पास 4300 आ गया। ये 3 है फिर से ऐड नहीं होगा तो मेरे पास 300 आ गया। अब ये भी 3 है नहीं ऐड होगा तो मेरे पास 400 आ गया। इनको प्लस कर दो, आप किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 और 4 10। अब देखो इन दोनों आंसर्स में 90 का डिफरेंस है। अगर आप 1000 तक करते तो और ज़्यादा डिफरेंस हो जाता। ठीक है, तो आप जितना नियर बाय एस्टिमेट करेंगे उतना आपका नियर बाय आंसर आएगा। ठीक है, इसीलिए उसको क्लोजर एस्टिमेट कहा गया है, क्योंकि ये बहुत एक्चुअल, अगर आप इसका सम करेंगे तो ये उसके बहुत नियर है। चलो मैं देखती हूँ करके, 4317 334 और 439 ये है ना। चलो कर, यहाँ गया 22336 और 39। ठीक है, यहाँ गया कुछ नहीं, 437 और 3। अब बताओ कौन सा क्लोजर एस्टिमेट हुआ, यही वाला हुआ ना। देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, ये जरूरी नहीं है हर बार सेम आए, पर नियर बाय जरूर आएगा। ठीक है, अब ये दूर हो गया, 90 का डिफरेंस हो गया है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि हम क्लोजर एस्टिमेट को के लिए छोटी वैल्यूज को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है, सब्ट्रैक्शन का सम है, ये भी आपको एस्टिमेट करना है ऐसे ही। तो करिए एस्टिमेट, कहाँ तक करेंगे, 10 तक करना है हमें और 100 तक। तो पहले नियरेस्ट 10, अब मैं ऊपर लिख नहीं रही हूँ, लिख ही देती हूँ वैसे, नियरेस्ट 10, 10 तक करूँगी, ये 4 है तो 108730 आ जाएगा, क्योंकि 4 है तो हम 1 ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे 9 है तो हम 1 ऐड करेंगे। अब मैं इस 9 में 1 ऐड करूँगी तो ये 10 बन जाएगा और ये 6, तो मेरे पास क्या आएगा, 47600। क्लियर, आपको 9 में 1 ऐड करना था, मैंने यहाँ 1 ऐड किया तो ये 0 आ गया और ये 6 आ गया, इसलिए 60। क्लियर, और इस 9 की जगह तो 0 थी। करो सब्ट्रैक्ट, 0 3 1 1 और 10 में से 4 माइनस हुए 6, ये आपका आंसर। अब नियरेस्ट 100। ठीक है, अब मैं 100 के लिए ये वाला डिजिट देखूंगी, ये भी 9 है तो मैं इसमें 1 प्लस करूंगी, और ये नहीं है, ये 3 है, 5 से कम है तो मैं नहीं करूंगी, तो 10800 और यहाँ क्या आ जाएगा, 47600 001 8 माइनस 7 1। अब देखो, अब भी इसमें डिफरेंस आया ना, ये 30 ज्यादा है इससे, तो आप जब इसको एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नियर बाय इसके आएगा। ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। वेट अ मिनट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती रहती है बिकॉज I am not having proper themes. I just try to make it most easily available to you. ठीक है, ये देखिए, ये first
सी पार्ट है 8325 - 491। ये ऐसे ही आपको 10 और 100 के लिए एस्टिमेट करना है, ये आप खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। ऐसे ही डी पार्ट है आपके पास, वो भी आप खुद करेंगे, वो भी आपको 10 और 100 के लिए एस्टिमेट करना है। ओके, अब हम करेंगे एस्टिमेट फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन को एस्टिमेट करना है, वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत दूर का एस्टिमेट नहीं लेते ना, इसमें हमें ऐसा कंपल्सरी है कि आपको दोनों नंबर को सेम वैल्यू के लिए एस्टिमेट करना है, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब एक को 10 के लिए और एक को 100 के लिए आप एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, तो एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको दोनों को सेम वैल्यू के लिए एस्टिमेट करना है। अब यहाँ पे देखिए 578 है, तो किस पे जाएगा अगर मैं इन दोनों को 100 के लिए एस्टिमेट करती हूँ, ठीक है। इट्स माय चॉइस कि मैं किसके लिए एस्टिमेट करूँ। ट्राई टू एस्टिमेट फॉर मैक्सिमम वैल्यू, बट इफ डिफरेंस इज वेरी मच ना देयर, तो हम 10 और 100 के लिए एस्टिमेट करेंगे। ओके, क्लियर टू यू। अब देखो 578 है, तो ये 600 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ये 6 है यहाँ पे, यहाँ भी प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी हमने प्लस 1 किया, तो ये कितना हो गया 200, और 6 टू जा 12। मल्टीप्लीकेशन में याद रखो जितनी जीरोज होती है ना वो सारी टोटल करके लिखो, ठीक है, कोमास लगा, ये आ गया आपका, ठीक है। इट्स वेरी इजी ना दिस मल्टीप्लीकेशन, नहीं तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो पता नहीं कितनी देर लगाते, नहीं। अब सेकेंड पार्ट है आपका 5281 और 3491, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू है, इसको अगर मैं 5000 के नियर बाय एस्टिमेट करूँ, मतलब 1000 के लिए एस्टिमेट करूँ, तो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो मैंने इसको तो 1000 के लिए एस्टिमेट कर दिया। लेकिन ये वैल्यू है 491 है, ठीक है। अब मैं इसको एस्टिमेट करूँगी तो ये 3000 बन जाएगी, मतलब अराउंड 500 का डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको 100 के लिए एस्टिमेट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि दोनों को सेम वैल्यू के लिए एस्टिमेट करना है, तो हम कर सकते हैं इसको। तो मैंने इसको 100 के लिए एस्टिमेट किया, तो ये 9 है, यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया 350। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो जितनी जीरोज हैं वो लिख लो एज इट इज़, 1, 2, 3, 4, 5 and 35, 5 आप आंसर निकालिए 175 आएगा, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लीकेशन, कोमास पुट कीजिए, दैट इज योर आंसर। इजी ना, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1291 को मल्टीप्लाई करना है 592 से। अगेन वी आर डूइंग एस्टिमेशन, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस 291 को एस्टिमेट करूं तो ये 1000 बन जाएगा, है ना, वेरी लेस वैल्यू। अब मैं क्या करूंगी कि इसको 100 तक एस्टिमेट कर दूंगी। नेक्स्ट वाली टर्म तो वैसे ही मेरी 100 तक एस्टिमेट होगी, तो दोनों को 100 तक करती हूँ, 1, 3, 0, 0। अब देखो ये नियर बाय आया ना, इसका सिर्फ 9 का डिफरेंस है, और अगर मैं इसको 1000 पे एस्टिमेट करती, क्योंकि इसका आंसर 1000 आता अगर मैं इसको 1000 तक करती, तो वो 291 का डिफरेंस आता है ना, तो जहां लेस डिफरेंस आएगा वहां हमें एस्टिमेट करना है, क्लियर। सॉरी, अब इसको यहाँ प्लस 1 हो जाएगा तो 600, 13, 6, 78 एंड 1, 2, 3, 4, 4 0, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब लास्ट पार्ट 9250 है आपके पास, ठीक है। अगर मैं इसको 100 के अकॉर्डिंग करूंगी तो 92 आ जाएगा, और मैं इसको 1000 के लिए कर सकती हूँ, ठीक है, बट मैं इसको 1000 के लिए नहीं करूंगी क्योंकि ये वैल्यू बहुत डिफर करेगी, तो मैं इसको क्या करूंगी, ये 5 है 9300, और इसको किसके लिए करूंगी,
29 है तो 30 पे जाएगा, प्लस 1 कर दूंगी, ठीक है, हो गया एस्टिमेशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1, 2, 3 तो 0 हो गई, और 3 3 9 और 9 3 20, ये वैल्यू भी ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे करते 9000 × 30 तो वो वैल्यू भी आपकी ठीक होती, ठीक है, ये वैल्यू भी आपकी ठीक होती, लेकिन ये वैल्यू आपकी नियर बाय और ज्यादा अप्रोक्सीमेट हो गई ना, इसलिए। क्लियर? नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीट एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल इफ दीज वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू, ओके।